अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। वक्त का दूसरा उत्तर कुछ भी नहीं है। देखो वहाँ लेवल देखा, वहाँ प्लाट इतना मटेरियल पड़ा था वहाँ। एक मिनट नागर साहब, ये इसकी आड़ में, ये इनका आर्डर का कहना है कि हमें हमारी राशि मिल जाए तो हम ये 95 स्क्वायर फीट जमीन जो मैंने निशुल्क इनको मिली है। मैंने कि बेटा उसमें तो तुम्हारा सब आ सकता है सपोज अगर, और आप लोग भी जानते हो, जरा देखो कि ये 3 लाख का कौन सा निर्माण है 15 पत्रों में यार, मतलब क्या मतलब हद हो गई। और आप वो दीवार देखोगे वहाँ पर मटेरियल, यहाँ पूरे क्षेत्र का मटेरियल यहाँ पड़ा हुआ था, जब कोई नहीं था ना यार। विगत 30 साल से सामने वाले परिवार को मैंने कहा उपयोग करो, उनने बिल्कुल ईमानदारी का परिचय दिया और कुछ भी नहीं करा इसमें। अब क्या कहना, आप क्या कहना, आपका क्या चाहते हैं? हम क्या कर रहे हैं, हम तो खाली हमारी ये बाउंड्री बना रहे हैं ताकि लोगों को दिखे कि हाँ ये प्लाट है, इनकी गौशाला है, क्या है हमको नहीं मालूम, लेकिन इसको अगर ये बायफर्केट कर दें क्या तकलीफ है। इनने 2 बार बोल चुके हैं पैक करके, यथास्थिति पुलिस को भी हमने सहयोग करा। ये गली इनकी रहेगी। अच्छा, और देखो इनकी मानसिकता, ये 4 फीट का ना दरवाजा ले लिया है, हमने कहा नहीं अंकल जी हटा देंगे। क्या नाम है आपका? नरेंद्र नागर हूँ मैं, प्लाट मालिक का पति हूँ। कौन सी कॉलोनी? ये चामुंडा नगर है, 48 चामुंडा नगर। हाँ, प्लाट पे अभी पुलिस भी पहुंची है, क्या कुछ पूरा मामला है यहाँ पे, आप अभी पहुंचे सब लोग? जी सर, ये मेरा प्लाट है और यहाँ हम निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो पड़ोस में रह रहे हैं पंकज और प्रवीण, पंकज है भाजपा का महामंत्री और प्रवीण है पार्षद पति भाजपा के। तो पिछली बार भी हमने निर्माण किया था, गड्ढे खुदवाए थे तो उन्होंने रुकवा दिया था, उन्होंने निर्माण रुकवा दिया था कि आप यहाँ निर्माण करोगे तो मैं तुड़वा दूंगा और जितनी बार करोगे उतनी बार तुड़वा दूंगा मैं। उसके बाद पुलिस, इन्होंने ही पुलिस बुलवाई, हमने नहीं बुलवाई थी। फिर SP साहब से मिले हम, SP साहब ने समय दिया था हमको कि मैं वहाँ पे मौके पे भेज के दिखवाता हूँ। उसके बाद हम लोग रुके उनके कहने पे, उन्होंने यथास्थिति रखने को बोला था, हमने यथास्थिति रही, कुछ भी नहीं किया, हम लोग यहाँ से चले गए, सामान भी हटा दिया, इन लोगों ने वो गड्ढे भी बंद कर दिया, यथास्थिति भी नहीं रखी। उसके बाद बीच में जो समय हुआ और अधिकारियों या जिन लोगों ने भी हमको समय दिया, 2 दिन रुको 4 दिन रुको, हम रुकते गए। आज जब ये काम शुरू हुआ है तो आज फिर इन्होंने पुलिस बल बुला लिया और काम रुकवा दिया। और ये जो जयेश पड़ियार है ये बीच में आके बदतमीजी कर रहा है कि मेरा प्लाट है तुम्हारा कुछ भी नहीं। कितने वर्षों पुराना प्लाट है आपका? ये मेरा 30 से भी पुराना प्लाट। किसके नाम से है ये? मेरे नाम से। क्या नाम है आपका? इंदिरा नागर। इसकी रजिस्ट्री सब है आपके जी? पूरे पेपर है मेरे पास, रजिस्ट्री है, नामांकन है और SP ऑफिस में, थाने में, सभी दूर ये आवेदन दे चुके हम। ये अभी कितने समय से यहाँ पे सेटवेट बना है? ये पिछले 5 और 6 महीने से, मैं थी नहीं सर यहाँ पे, मैं नीदरलैंड गई हुई थी, मेरे बेटे के यहाँ बेटा हुआ, उस बीच इन्होंने ये चीज कर ली। अभी और गाय बांधने का बहाना बोलते हैं संस्था है, कौन सी संस्था है? ये गाय तो बहुत छोटे सी जगह में बनती है, अंदर इन्होंने जो कर रखा है इसकी आड़ में आप देख सकते हैं अंदर जाके। अभी क्या निष्कर्ष निकला इसका? ये निष्कर्ष ये कि पुलिस बल आया और काम रोक देते हैं, पिछली बार भी काम रोक दिया, आज भी काम रोक दिया, इनकी नेतागिरी है ये चाहते हैं। अब आगे क्या करेंगे आप? अब आगे जो भी SP साहब या जो भी निर्णय देंगे वो करेंगे। आपका नाम बता दो। इंदिरा नगर। कहाँ स्थित है प्लाट ये? 48 चामुंडा नगर। पुलिस बल भी यहाँ पे मौजूद है, क्या है पूरा विवाद? विवाद और पूरा वार्ड का कचरा आता था और
ये परिवार बनाके परिवार ही हमारे पास आए थे और इन्होंने पहले कचरा हटवाने का आग्रह हमसे किया, कचरा हट गया। उसके बाद में जब भराव हो रहा था तो फिर भराव का ही बोला, वो भी हमने करवा दिया। सब इनकी तरफ से इनकी सहमति से हो रहा था। सहमति एक अलग विषय होता है। सहमति के पहले कि आप कर दो, इसे भराव कर दो, साफ सफाई कर दो, तो वो भी हमने इसमें किया। विगत 5 वर्षों से ये हमसे जिद कर रहे थे कि गाय हमारे प्लॉट में पालो। जब मैं यहाँ नहीं रहता था, हम मैं कहीं और रहता था, तो ये मुझसे आ करके जिद करते थे कि प्लॉट हमारे प्लॉट पे पाल लो, गाय हमारे प्लॉट पे पाल लो। मैं विगत 4-5 वर्षों से मना कर रहा था कि ऐसे किसी के प्लॉट पे नहीं पाल सकते। और अब जब इनका ही आग्रह तेज हुआ कि भाई गाय हमारे यहाँ पाल लो, गाय हमारे यहाँ पाल लो, तो गाय के लिए एक सुव्यवस्थित, इनकी अनुमति नहीं कह सकते, अनुमति तो हम लेते हैं, इनके आग्रह पे गाय और शेड और पूरा प्लॉट हमने व्यवस्थित कराया। इसमें जो कुछ कराया सब इनके हिसाब से करवाया। और जैसे ही इनका प्लॉट सुव्यवस्थित हुआ तो ये अब खाली कराने के लिए हमसे बस 5-6 महीने हुए हैं। तो इन्हें कुल मिलाकर के अपना प्लॉट साफ करवाना था, अपना प्लॉट व्यवस्थित करवाना था लगता है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई कब्जा वब्जा नहीं है। पिछली बार भी इन्होंने कोई गलत आरोप लगाया कि हम जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये तो हमारे परिवार के लोग हैं। और अच्छा, मतलब इतना सारा यहाँ पे सुव्यवस्थित कर दिया आपने, सब मेंटेनेंस करा इसका, तो इसका खर्चा आपने ही वहन करा होगा पूरा? बिल्कुल, हमारी संस्था है। और इसमें मेरे वार्ड में कुछ पहले फोटोज मैंने डाले हैं, जब वार्ड में कोई गाय बीमार हो जाती है या बच्चा अच्छा देती है तो जो आवारा जो गाय रहती है उनको कोई नहीं ले जाता, तो उनको यहाँ लेकर के आते हैं। इसके फोटोज भी हम लोग डालते रहते हैं। क्या खर्चा आया था आपको पूरा? अप्रोक्स पिछली बार भी जैसे हम तो कोई जोड़ के नहीं बैठे, लेकिन 2-3 लाख रुपए के आसपास खर्चा आया था। तो गायों की यहाँ सेवा होती है, 2-4 दिन सेवा होती है, फिर उसे कोई ले जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम रखते हैं या फिर उसे गौशाला पहुँचा देते हैं। ये पूरी सेवा संस्था यहाँ पे। अब अच्छा, किस नाम से संस्था है और अब क्या कहना चाहते हैं ये परिवार? श्री शिवाय है और इसमें किसी प्रकार का कोई कब्जा वब्जा नहीं है। हमने तो इतनी बार बैठ के, आज सुबह भी भाभी से बैठ करके बात हुई, ये जो छोटा मोटा खर्चा हुआ है ये वापस दे दिया। इसमें कोई, हम तो प्लाट आज ही खाली कर दें, हमारे हाथ से खाली कर देंगे, पर इसमें क्या होता है, जो आप मेंटेनेंस लगाया वो चाहिए। हाँ, संस्था का पैसा जनमानस का पैसा होता है, लोगों का पैसा होता है, तो वो ऐसे कैसे, किसी को अपना प्लाट साफ करवाना था, हमें आग्रह कर करके हमसे प्लाट साफ करवा लिया, पूरा व्यवस्थित करवा लिया, कह रहे हैं खाली कर। ठीक है, आपका नाम? प्रवीण।